नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूँ एम के अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान युवक यहाँ पर जुड़ चुके हैं और आइए इनसे जानते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में यहाँ के नौजवान जो है वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन अंसारी हुआ। तो गुलाम भाई, 2024 के बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाह रहे हैं आप? 2024 का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बेस्ट रहेंगे। शिक्षित हैं और उनमें बहुत सारे खूबियां भी पाया मैंने है कि वो कर सकते हैं पीएम के लायक। वो मोदी जी नहीं है? मोदी जी इस बार नहीं आएंगे? मोदी जी 2014 से वो जब बने वो कभी ऐसा काम ही नहीं किए जो कि पैसा बढ़ा के और बढ़ाते रहे और कभी घटा ही नहीं। जी कोई चीज़ ऐसा वस्तु या कुछ भी हो वो पैसा कभी घटा ही नहीं, मतलब महंगाई भी बढ़ती, महंगाई बढ़ते कुछ और लोग भी हैं उनसे भी हम लोग जानेंगे। 2024 के चुनाव के बारे में बातें करते हैं। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाह रहे हैं? हम मनमोहन सिंह को देखना चाहते हैं इस बार 2024 में। मनमोहन सिंह जी? क्यों? राहुल गांधी तो इस बार उनके सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर करके आए हैं। तो उभर कर आए हैं पर मनमोहन सिंह को देखना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि उनके रहते भर में कभी नहीं 160 रुपये टमाटर खाए थे, बाकी इस बार 160 रुपये टमाटर खाए हैं और ले भी नहीं पा रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया, इतना महंगाई हो गया है कि कहीं बाहर भी काम करने जाते हैं तो जहाँ पहले ज़्यादा कमाई करते थे वहाँ अभी कम हो गया GST की वजह से। एक तरफ महंगाई बढ़ा है, दूसरे तरफ कमाई घटा है, ये आप कह रहे हैं जी। तो क्या मोदी जी से खुश नहीं हैं आप लोग? नहीं, मोदी जी से क्यों खुश रहेंगे? गरीब जनता को जब नहीं मिल पाएगा खाने पीने के लिए तो फिर क्या गरीब जनता क्या चाहिए? तो इस बार आप जो है राहुल गांधी को वोट करेंगे जी? या फिर मनमोहन सिंह जी? अगर राहुल गांधी बनाएगा तो? राहुल गांधी बनाएगा फिर वो भी ठीक है। क्यों ठीक है? उसमें क्या, उनमें क्या खासियत है? उनका पार्टी बनेगा कोई भी तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो जो बोलेंगे वही होगा। अच्छा, क्या आप तो हो गया है, क्या नाम है? सुएब। सुएब भाई किसे देख रहे हैं इस बार 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? उम्मीदवार लाइक अच्छा आदमी है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की समस्या, लोगों के समस्या सुनते हैं, लोगों को खूबियाँ देखते हैं। मोदी जी में क्या कमियाँ नजर आई हैं आप? मोदी जी कैमरा के पीछे रहते हैं, कैमरा के आगे चलते हैं, जनता को देखता ही नहीं है। इस बार मोदी जी 2024 में नहीं आएंगे? नहीं नहीं, 2024 में नहीं आ पाएंगे। तो ये लोग जो हैं लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी 2024 में नहीं आएंगे और महंगाई को बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पे। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। इस वक्त हम लोग देख सकते हैं आपकी चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ खेत यहाँ पर है और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से पानी नहीं गिर रहा था और लोग इस बार भी आशा कर रहे थे कि इस बार जो है वो बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है, कुछ किसान से हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साकिर अंसारी। क्या इस बार खेती आप लोग कर रहे हैं? खेती कहाँ, सूखा पड़ा हुआ है तो कैसे खेती होगा? पानी तो हुआ है आजकल। पानी कहाँ, ये पानी से थोड़े खेती उती होगा? पानी से नहीं होगा ना, कुछ खेती नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाली रहर सहर बना गया है, बाकी वो भी भगवान भरोसे, भगवान भरोसे है न, तो बाकी कुछ नहीं है, हम लोग के हाथ में थोड़े हैं। सरकार के तरफ से कुछ आप लोग को मदद वगैरह? मदद वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है अभी, तो क्या करें, मिलना चाहिए तो मिल ही नहीं रहा है। क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? कहूँ मैं चावल देवे, पैसा देवे, हम लोग भूखे मरेंगे कि खाने के लिए हम लोग के चाहिए? यहाँ सूखा पड़ गया है तो पूरी तरह से सूखा पड़ गया है, पूरे तरह से दम देख रहे हैं, एक ठो पानी नहीं है, साला के लेटरिंगों करे लगे कि कहाँ होगा साला के, इतना सूखा पड़ल है। आप कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ पर आसपास का जो आप खेत हैं आप दिखा दें कि एक भी खेत में, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक भी खेत में जो है वो धान की रुपाई या किसी भी फसल का जो है वो बुनाई जो है वो बुनाई उनाई कहाँ है, देख रहे हैं साला के हरियर खाली घास लगा हुआ है तो यहाँ बुनाई है। तो कैसे इस बार आप लोग कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपने परिवार? कुछ नहीं संभालेंगे, मरेगा का होगा साला के, जिएंगे जिएंगे अब का होंगे, सरकार देवे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मांग तो रहे नहीं मिल रहा है तो। हाँ गार्जियन, इस बार खेती नहीं हो पा रही है? हाँ नहीं, इन साल से दो साल से नहीं हो रहा है, पिछला बार से भी ज्यादा इस बार? हाँ पिछला बार से इन साल ज्यादा है। देख रहे हैं कि आसपास एक भी खेत में एकदम नहीं है, ये नहीं है एकदम, तो सवाल ही नहीं उठता है, खेती होएगा कोई मामले ही नहीं है,
देखते रहे कि सगरे समूचा हर एकदम घास लगा हुआ है कुल दोहर में, क्या खेती आदमी करेगा, पानी होगा ही नहीं तो खेती कहाँ से होगा, पानी नहीं है तो। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, झारखंड की वर्तमान सरकार हेमंत सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग उम्मीद कहाँ रखें सरकार को, अब उम्मीद तो सरकार के रखना है कि क्या हम लोगों को जिला सकते हैं या मुगा सकते हैं, क्या करते हैं सरकार ना समझेंगे, हम लोग कह के क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे तो थोड़े दे देंगे, दे वो करेंगे तो बड़ी मुश्किल से देंगे, कुछ देंगे तो। और वैसे अगर मदद करना चाहते हैं किसान के तो मदद करें, उम्मीद है मदद करेंगे, उम्मीद तो होना चाहिए कि मदद करेंगे, ऐसा तो बात नहीं है कि होना चाहिए कि मदद करें। तो ये किसान भाई हैं और इनके शब्दों से, इनके भाषा से और इनके जो बोलने का तरीका है उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानियां इस बार किसान के समक्ष आने वाली है और सरकार इस पे क्या तैयारियां की है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।